हे दोस्तों, वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना आलोक इंडियन आज आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप एंड महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण में। ओके, इस सीरीज का यह वीडियो नंबर 2। इसके फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंटली हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट, कितने महाद्वीप एंड कितने ओशियन, कितने महासागर हैं और उनका क्या ऑर्डर है, क्या क्रम है। ओके, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना अबाउट किसके बारे में, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के ओरिजिनेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके उत्पत्ति और उसके वितरण के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लेथियन ग्रीन, लेथियन ग्रीन का चतुष्फलकी सिद्धांत। चतुष्फलकी का मतलब होता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें चार फलक हो। चार फलक का मतलब होता है चार फेसेस हो। ओके, चार फेसेस, कुछ इस प्रकार से चार फेसेस हो। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एक फलक है। ओके, कुछ इस प्रकार का पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे कि देखिए चार फलक है, एक फलक, दो फलक और ये तीसरा फलक और एक नीचे फलक, चार फलक। ओके, तो आइए एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। लेथियन ग्रीन जो थे वो लंदन के थे, लेथियन ग्रीन वॉज ऑफ लंदन एंड ही प्रोपाउंडेड हिज टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस इन ईयर 1875। इट मींस दैट लेथियन ग्रीन जो कि लंदन के थे, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक तरह के मर्चेंट थे, एक तरह के व्यापारी थे। ओके, बट इन्होंने अपना टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस भी दिया है। ठीक है, तो इन्होंने अपना टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस कब दिया, इन द ईयर, किस सन में, 1875 में, जो कि किस पे आधारित था, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक के समान गुणों पर आधारित था। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पर बेसिस था। ओके, तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार से इनके हाइपोथेसिस में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस अपना दिया और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक टेट्राहेड्रल का इन्होंने यूज किया। ठीक है, बट उससे पहले हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल में होता क्या है। तो टेट्राहेड्रल में चार एपेक्स होता है, चार शिखर होता है, जिसको कोइजिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चार ये क्या होता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो चार एपेक्स है और चार ही फलक होते हैं, चार फेस होते हैं। एक फेस ये है, एक फेस ये है, मतलब ये दोनों किनारे किनारे फेस हैं। ऐसा मत देखिए इनको, किनारे का एक फेस, एक किनारे फेस और एक ये इस किनारे फेस और एक नीचे का फेस। ओके, इसका एक फेस ये हो गया, ठीक है, दूसरा फेस ये हो गया और फिर ये तीसरा फेस हो गया। ठीक है, और एक फेस इसका नीचे है और इसमें चार एपेक्स है, चार शिखर हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो चार शिखर हैं और चार क्या है, फलक है, मतलब चार एपेक्स हैं और चार फेसेस हैं। बट अभी सब कुछ जानने से पहले हम जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया अपने परिकल्पना में। ठीक है, तो लेथियन ग्रीन के अकॉर्डिंग, मतलब लेथियन ग्रीन के अनुसार क्या था, ओरिजिनली ड्यूरिंग इट्स ओरिजिनेशन आवर अर्थ वॉज अ वेरी हॉट स्फीयर बट ड्यू टू लॉस ऑफ हीट इट ग्रेजुअली बिगेन टू कूल। इट मीन्स दैट जब हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो अपने उत्पत्ति के समय हमारा जो पृथ्वी था वो बहुत ही गर्म था और उसका आकार कैसा था, गोल था। ठीक है, गर्म था और गोल था, कह सकते हैं एक गर्म आका गोला था। एंड इस पर क्या हुआ कि जब ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, कहने का मतलब है कि ये गर्म है तो क्या होगा, इस पे लॉस ऑफ हीट होगा। ठीक है, धीरे धीरे यहां पे हीट का लॉस होगा, हीट की हानि होगी और हीट के हानि के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होना शुरू होगा। ओके, बट एक्चुअल में क्या है, फर्स्टली द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कूल डाउन फॉर्मिंग क्रस्ट बट इनर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉन्टिन्यू टू कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब पहले पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंड होकर क्रस्ट का निर्माण करेगा बट अभी भी पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग होगा वो ठंड हो रहा होगा और संकुचित हो रहा होगा। इट मीन्स दैट क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है ना उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब परतदार संरचना है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का परतदार संरचना है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, वो क्या करेगा, जल्दी से ही ठंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ठंड होगा और ठंड जब होगा, जब कूल होता तो कूल के दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब संकुचित होगा, ठंड होने के दौरान संकुचित होगा, तो ठंड भी होगा, संकुचित भी होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, कौन, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ठंड होकर संकुचित होकर के क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई या ठोस हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का क्या फॉर्म होगा, क्रस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट फॉर्म होगा, लेकिन जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला जो लेयर, अंदर वाला परत है, वो अभी क्या हो रहा है, वो अभी ठंड हो रहा है, तो ठंड हो रहा है तो संकुचित होगा, ठंड के साथ संकुचित होगा। ओके, आइए पहले लैंग्वेज के माध्यम से आगे का कहानी जानते हैं।
consequently already solidified the upper crust part which could not subject to further contraction. A large of its part collapsed in the inner portion and ultimately the earth began to assume the shape of tetrahedron. Okay, तो जो हिंदी मीडियम वाला है वो ये मत सोचिएगा कि हम अभी तक क्या बोल दिए इंग्लिश में, जो इंग्लिश में बोले उसी को हिंदी में बोलने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है बस। परिणाम स्वरूप पहले से ठोस हुआ ऊपरी क्रस्ट, मतलब जो पहले ठोस हो चुका है ऊपरी क्रस्ट, जो अधिक संकुचित नहीं हो सकता है, मतलब और ज्यादा संकुचित नहीं हो सकता है, उसका एक बड़ा हिस्सा आंतरिक भाग में धस जाएगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक भाग उसको और संकुचित कर रहा है और अंततः हमारी पृथ्वी जो है चतुष्फलकीय आकार लेने लगेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट हमने ये बताया कि जब ऊपर वाला क्रस्ट है सॉलिडिफाई हो गया, मतलब कि पहले उस पर कूलिंग हुआ, जल्दी से ठंड हुआ, जल्दी से ठंड हो गया, ठंड के दौरान क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब संकुचित हो रहा है। कोई चीज ठंडा होगा गर्म से तो संकुचन होगा, और ठंडा होकर के संकुचित होकर के वो ठोस का रूप धारण कर लिया और ये बन गया क्रस्ट। ठीक है, लेकिन अंदर का जो परत है वो अभी ठंड हो रहा है, उसका संकुचन चल रहा है, जो संकुचित होगा तो ऊपर वाले हिस्से को कुछ खींचेगा कि नहीं, कुछ तो इस पे खिंचाव लगाएगा, कुछ तो कंट्रैक्शन होगा, कुछ तो संकुचन होगा, और इस संकुचन के दौरान ऊपरी वाले हिस्सों का एक बड़ा भाग अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा, धस जाएगा, और ऐसा होने के परिणाम स्वरूप जो हमारे स्फीयर शेप था वो धीरे धीरे टेट्राहेड्रॉन शेप या चतुष्फलक शेप या चतुष्फलक आकार ले लेगा। ये इन्होंने क्यों कह दिया, कैसे कह दिया कि एक स्फीयर चतुष्फलक आकार ले लेगा, तो इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने नोट में लिखा है, ठीक है, इसको जानने के लिए इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि जब किसी स्फीयर को, जब किसी गोले को चारों तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर समान दबाव के द्वारा क्या किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, दबाया जाए, तो वो जो होगा टेट्राहेड्रॉन का शेप ले लेगा, चतुष्फलक का आकार ले लेगा। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस आकार, इस प्रकार से इन्होंने टेट्राहेड्रॉन शेप को बताया कि हमारा पृथ्वी किस तरह टेट्राहेड्रॉन शेप में बदल गया। इट मीन्स दैट जो हमारा पृथ्वी था जिसका ऊपरी क्रस्ट पूरी तरह से संकुचित हो चुका था और अधिक संकुचन को नहीं रेजिस्ट कर सकता था, फिर जब उस पे नीचे वाले हिस्से द्वारा संकुचन बल चारों तरफ से एक समान लगाया जाएगा तो वो जो गोल वाला हिस्सा, मतलब जो पृथ्वी हमारा गोल था, वो धीरे धीरे टेट्राहेड्रॉन का शेप चतुष्फलक का आकार ले लेगा। ओके, बट लेथियन ग्रीन ने इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं किया कि जो हमारा पृथ्वी है वो रियल टेट्राहेड्रॉन, मतलब कि वास्तविक चतुष्फलक का आकार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ऑफ इस स्ट्रक्चरल वेरिएशन, क्योंकि इसकी जो आकृतिक भिन्नता है, कहने का मतलब हमारे पृथ्वी पर आप देखेंगे तो हमारे पृथ्वी पर माउंटेन पाया जाता है, प्लेटू पाया जाता है, हिल पाया जाता है, लेक पाया जाता है, ग्राउंड पाया जाता है, मतलब प्लेन पाया जाता है, ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, ऐसे ढेर सारे आकृतिक विभिन्नता है, तो ऐसे में हमारा पृथ्वी किस प्रकार से रियल टेट्राहेड्रॉन हो सकता है? यही उन्होंने कहा कि रियल टेट्राहेड्रॉन वास्तविक चतुष्फलक नहीं हो सकता है हमारा पृथ्वी। देखिए, हमने इस चीज को नोट करके लिखा है, ठीक है, अब आपके आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट कितना है उसके आधार पर जो नोट वाली चीज को, उसको भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर वर्ड लिमिट अधिक है तो इन जो नोट वाली चीजों को ना वो अपने वर्ड में यूज करके अपने नोट्स में आप लिखिएगा। ओके, अपने आंसर में लिखिएगा, और जो हम लिखे रहते हैं जो चीज ना वो आपके नोट्स के लिए ही लिखते हैं, ठीक है, बट इसको आप अपने आप से समझ करके, मॉडिफाई करके, बुक्स ढूंढ करके और अच्छा आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने टेट्राहेड्रॉन शेप को ही क्यों चुना, ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन शेप चुनने के पीछे इनका कारण यह था कि इन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। क्या ऑब्जर्वेशन किया? अभी जो वर्तमान पृथ्वी की स्थिति है उसका ऑब्जर्वेशन किया, और इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन कैसे किया कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ओशियन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस गोलार्ध में हमारे, मतलब किस हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स की अधिकता है, किस गोलार्ध में हमारे ओशियन की अधिकता है, इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या हमारे कॉन्टिनेंट्स का शेप है, क्या हमारे ओशियन का शेप है, इसको ऑब्जर्व किया इन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, मतलब माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ओशियन का विस्तार कितना अधिक है, बहुत सारे मतलब जैसे कि पैसिफिक ओशियन है वो लगभग एक तिहाई हमारे पृथ्वी का हिस्सा खुद ऑक्यूपाई करता है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए हैं और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के तहत इन्होंने हमारे पृथ्वी को टेट्राहेड्रॉन शेप दिया, ठीक है। तो इनके जो पहले हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं उसके आधार पर इनके हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन जो हम देखिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को ही देखेंगे, बाकी इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए होंगे लेकिन इनके इंपॉर्टेंट इनके महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे, ठीक है। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन, एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मतलब कि महाद्वीप और महासागरों का प्रतिध्रुवी रूप में व्याप्त होना, कहने का मतलब अगर ये हमारा कॉन्टिनेंट है तो इसके जस्ट अपोजिट पृथ्वी, क्योंकि हमारा गोल है,
लेकिन इनके अनुसार नहीं है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अभी देखते ना कि इन्होंने तो इसे टेट्राहेड्रॉन शेप क्यों दे दिया, ठीक है, जबकि गोल होने पे भी ये चीज हमारा डिसाइड हो सकता था। तो जो हमारा पृथ्वी है उसके अगर एक हिस्से पर क्या है कॉन्टिनेंट है, तो उसके एकदम जस्ट अपोजिट हिस्से पे क्या होगा, ओशियन होगा, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट हिस्से पे ओशियन होगा। अगर आपको कहीं से ग्लोब मिल जाता है तो आप प्लीज उसको ऑब्जर्व कीजिएगा एक बार, ठीक है, ग्लोब मिलने पे, जैसे ये हमारा यूरोप, ये यूरोप वाला और ये अफ्रीका वाला, ठीक है, तो ये अफ्रीका और यूरोप के जस्ट अपोजिट पे या उसके जस्ट पीछे कौन सा आता है, पैसिफिक ओशियन आता है, ठीक है। तो आप जो ग्लोब पाइएगा तो ग्लोब पे ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर इसी मैप को ऐसे हम राउंड अप कर दे तो ग्लोब बन जाएगा। और सोचिए राउंड अप करेंगे तो ये जस्ट बीच में मेरिडियन है, यही हमारे पृथ्वी का बीच माना गया 0 डिग्री मेरिडियन, और इसी के पीछे आता 180 डिग्री जो कि हमारे प्रशांत महासागर से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार के ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब इन्होंने देखा कि एंटीपोडल अरेंजमेंट है हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन का, ठीक है, ध्रुवीय रूप में व्याप्त है हमारे महाद्वीप और महासागर, तो इन्होंने टेट्राहेड्रॉन शेप ऑक्यूपाई किया या बताया कि क्यों, क्योंकि एक टेट्राहेड्रॉन की जो करेक्टरिस्टिक हमने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक पे बेस था इनका हाइपोथेसिस, इनकी परिकल्पना, ठीक है, किसके, टेट्राहेड्रॉन के चतुष्फलक के, तो ये चतुष्फलक का ही ये क्या है करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, विशेषता है क्या, इन्हें टेट्राहेड्रॉन जो एक प्लेन फेस होता है ऑलवेज रिमेन्स अपोजिट टू एपेक्स, कहने का मतलब है कि जो एपेक्स मतलब जो शीर्ष होता है, ये जो इसे शीर्ष है, ठीक है, और इस शीर्ष के पीछे जो है अभी ये प्लेन फेस है, नीचे वाला क्या है, प्लेन फेस है, ठीक है, और ये शीर्ष है, तो हमेशा एक प्लेन फेस के पीछे एकदम अपोजिट में क्या होता है, एक शीर्ष होता है, ठीक है, ये जैसे प्लेन, ये हमारा शीर्ष है तो इसके पीछे अपोजिट में कौन सा प्लेन फेस आएगा, ये वाला प्लेन फेस आएगा ना। तो इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू मतलब लेथेन ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या था, ओशियन वेव क्रिएटेड ऑन द प्लेन फेस, ठीक है, प्लेन फेस जो कि धस गया था, हमने कहा ना हमारा पृथ्वी जो था उसका एक बड़ा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा मतलब क्रस्ट वाला एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया, जो कोलैप्स हुआ वो ओशियन का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और जो हिस्सा खड़ा रह गया था वो एपेक्स के रूप में है और वही हमारा कॉन्टिनेंट है, मतलब कि जो ये एपेक्स है वो हमारे पृथ्वी का खड़ा हुआ हिस्सा रह गया, मतलब कि जो पूरा क्रस्ट था वो नहीं कोलैप्स हुआ था, कुछ हिस्सा हमारे क्रस्ट का रह गया था, बाकी मेजर हिस्सा कोलैप्स हुआ था, जो मेजर हिस्सा कोलैप्स हुआ वो हमारा प्लेन का निर्माण किया टेट्राहेड्रॉन के, ठीक है, चतुष्फलक के। तो इसका मतलब है लेथियन ग्रीन ने कहा कि जो एपेक्स है वो हमारा महाद्वीप है, ठीक है, और जो प्लेन फेस है मतलब जो फलक है, ये समतल फलक है, वो क्या है, वो हमारा ओशियन है। इट मीन्स दैट कि अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसके पीछे क्या होगा, ओशियन होगा, क्योंकि प्लेन फेस है, ये अगर कॉन्टिनेंट है तो इसके पीछे वाला ये प्लेन फेस ओशियन होगा, अगर ये हमारा क्या है कॉन्टिनेंट है तो इसके पीछे वाला अपोजिट फेस जो हमारा क्या होगा, ओशियन होगा, ओके। तो इससे इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को भी डिफाइन किया, ओके। तो हिंदी में लिखा मैंने चतुष्फलक में एक समतल फलक शीर्ष मतलब शिखर के शीर्ष या शिखर के विपरीत होता है। लेथिन ग्रीन के अनुसार समतल फलक पर महासागरों और पार्थिव चतुष्फलक के शिखरों पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है, ये फिगर बनाया शीर्ष पर क्या महाद्वीप और फलक पर महासागर। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका क्या था, ट्रायंगुलर शेप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागरों का त्रिकोणीय आकृति, उसको देखिए, जैसे ये टेट्राहेड्रॉन है तो टेट्राहेड्रॉन मतलब चतुष्फलक जो होता है वो तीन प्रकार के इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब चार इक्विलेटरल ट्रायंगलों से मिलकर बना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक नीचे, ठीक है। तो इट मींस दैट अगर यहाँ महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, इट मींस दैट अगर यहाँ महाद्वीपों का निर्माण हुआ है तो इसका शेप भी देखिए कैसा है, ये शेप कैसा है, ये शेप ट्रेंगुलर है, तो यहां पर ट्रेंगुलर शेप होगा, ठीक है, और इधर भी देखिए ट्रेंगुलर शेप है, इधर भी ट्रेंगुलर शेप होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा महाद्वीप कैसा शेप है, अगर इसको ऐसे कर दीजिए ट्रेंगुलर शेप, नॉट एग्जैक्टली, हम एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहे बट अप्रोक्सीमेटली मतलब कि उसके एकदम लगभग में, ठीक है, ये भी देखिए कैसा शेप है, सॉरी ये ट्रायंगुलर शेप है, ये देखिए हल्का सा ट्रायंगुलर शेप, ये कॉन्टिनेंट, ये ओशियन को देखिए, महासागर को देखिए ट्रायंगुलर शेप, इधर वाला भी देखिए ट्रायंगुलर शेप, इधर वाला देखिए ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनों के थ्रू ही चतुष्फलक माना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि डोमिनेंस ऑफ लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल वाटर बॉडीज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूभागों और दक्षिणी गोलार्ध में जली भाग का अधिकता। तो देखिए थोड़ा सा फिगर खराब हो गया, अभी भी जस्ट टूट गया रखते वक्त, ठीक है। तो हमने आपको पहले एक बार फिर से लाइन पढ़ा देते हैं, डोमिनेंस ऑफ लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल वाटर बॉडीज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन्होंने अपने चतुष्फलक के हिसाब से कैसे डिफाइन किया, देखिए
इन्होंने कहा कि जो हमारा आर्कटिक ओशियन है वो कहाँ पे है, हमारे कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी ध्रुव में हमारा क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव मतलब ये जो एपेक्स जो हमारा है, ठीक है, एपेक्स मतलब जो शिखर है वो कहाँ पे है, वो हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है। तो हमारा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका हो गया और उत्तरी ध्रुव जो हो गया वो आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है। इन्होंने चार महासागर को डिफाइन किया, अंटार्कटिक महासागर को नहीं डिफाइन किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो तीन एपेक्स हैं, एक एपेक्स, दो एपेक्स और तीन ये एपेक्स, ठीक है, ये तीनों क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हैं, कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हैं। तो इट मीन्स दैट अगर ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट और तीनों कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हैं, तो इट मीन्स दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास की अधिकता होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो इन्होंने इसी आधार पर डिफाइन किया कि जो हमारा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा पृथ्वी का है उसी के आधार पर ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों लैंड मास की संख्या अधिक है या लैंड मास की अधिकता है और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों ओशियन की अधिकता है। अब देखिए जो ये हमारा अंटार्कटिका है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है और इसके साउथ पोल में क्या है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव में क्या अंटार्कटिका है। तो इट मीन्स दैट कि इसके चारों तरफ ये जो फेस है, ये फेस है और ये इधर वाला फेस है, इधर वाला फेस है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब महासागर होंगे। इट मीन्स दैट जो हमारा सदर पोल है, ठीक है, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर क्या होगी, महासागरों की अधिकता होगी, ओके। इट मीन्स दैट इन्होंने फिगर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया मतलब दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया मतलब कि हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ओके। गोलार्ध क्या होता है पहले आपको ये भी बता देते हैं, जैसे हमारा पृथ्वी है ये, ठीक है, और यहीं से 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पास करता है, 0 डिग्री अक्षांश पास करता है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो पास करता है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और इसके जो उत्तर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये देखिए इक्वेटर लिखा ना, इक्वेटर 0 डिग्री, अब ये पास कर रहा है कुछ कहाँ से, ये देखिए ऐसे पास कर रहा है अफ्रीका से होते हुए, फिर हमारे दक्षिण अमेरिका से होते हुए, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लो है क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लैंड अधिक है, ढेर सारे लैंड है, ठीक है, यहाँ पे लैंड मास अधिक है, कॉन्टिनेंट्स की अधिकता है, ठीक है। और इसी के नीचे देखिए तो थोड़े से कॉन्टिनेंट्स पाए गए हैं और महासागरों की अधिकता है, ठीक है। तो इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था और बताया, तो जो आर्कटिक महासागर था ना उसके सामने वाले एपेक्स पे, उसके सामने वाले शीर्ष पर था अंटार्कटिका, ठीक है, मतलब कि ये दक्षिणी ये हमारा उत्तरी ध्रुव पे है, ठीक है, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव पे है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है कि नहीं, महासागर के जस्ट अपोजिट क्या हमारा कॉन्टिनेंट है, ओके, महाद्वीप है, ओके। अगर ये अटलांटिक महासागर है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, हमारा एशिया वाला हिस्सा आएगा। हम नॉट कह रहे हैं कि सब कुछ एकदम एग्जैक्टली है, ठीक है, बट सब कुछ अप्रोक्सीमेटली है। और अगर ये इंडियन ओशियन था तो इसके जस्ट अपोजिट कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसे कह सकते हैं कनाडियन शील्ड, ठीक है, कनाडियन शील्ड, और इसको कह सकते हैं साइबेरियन शील्ड, ओके। और यूरोप के एपेक्स, जैसे यूरोप मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा अगर निकला है, मान ली सपोज कीजिए ये वाला, ये यूरोप है, ये यूरोप और अफ्रीका वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा आएगा, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर आएगा। तो ये था दोस्तों पूरा लेथेन ग्रीन का टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, लेथेन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत। अब इसका हम थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो में आपको नहीं चलेगा, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना, थोड़ा वीडियो भले लंबा हो जाए, ठीक है। मूल्यांकन में क्या है, एवोल्यूशन में, जैसे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लेथेन ग्रीन जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मतलब लेथेन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत जो है वो महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान वितरण और विशेषताओं का सफलतापूर्वक वर्णन करता है। इट मीन्स दैट कि आज प्रेजेंट डे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का पूरी तरह से उसको डिफाइन करता है, ठीक है, बट क्या नहीं डिफाइन कर पाता है तो ये देखना हमको, ठीक है। तो अगर आपको इसको जैसे वर्ड लिमिट बढ़ाना होगा ना तो आप इन चीजों को फिर से एक बार ला करके यहाँ बता सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिफाइन किया है, ठीक है, और फिर इसके बाद आप बताएंगे क्या क्या इनके फेलियर्स रहे होंगे। तो फेलियर को भी आप बड़ा लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे लैंग्वेज कर दिए आपको समझाने के लिए।
जैसे ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, कहने का मतलब है कि अगर इनकी परिकल्पना को देखा जाए तो इन्होंने अपने परिकल्पना में पूरी तरह से बांध के रखा है, मतलब कि महाद्वीप और महासागर कभी मूव नहीं किए हैं, मतलब आरंभ में जैसे बन गए थे वैसे ही महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं। तो आप लैंग्वेज को और बढ़ा सकते हैं कि आज के प्रमाणित सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट वेतनिकी सिद्धांत या वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस बात को मानता है कि महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन समय समय पर हुआ है, ठीक है, ओवर जियोलॉजिकल पास्ट, ठीक है। तो इस चीज को आप बता करके इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका आप करेगा, जैसे कि एक टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, रोटेटिंग ऑन एन एपेक्स कैन नॉट बी पॉसिबल, कहने का मतलब हमारा पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा, घूर्णन कर रहा, और जानते हैं लगभग 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूर्णन करता हमारा पृथ्वी पर सेकंड में 400 मीटर, ठीक है। तो ऐसे में इसका रोटेशन जो होता है, हमें अप्रोक्सीमेटली बताया था 400 मीटर, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका रोटेशन जो होता है किसी एक एपेक्स पे, किसी एक शिखर पर, ऐसे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब इसका बैलेंसिंग ही नहीं होगा ना। भले हम कह रहे हैं कि हमारा पृथ्वी ऐसा नहीं कि धसा हुआ है और इसी के ऊपर से ये पॉइंट नीचे पड़ा है और इस पर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जिस पर एक ही शीर्ष पर हमारा पृथ्वी हो, ठीक है, और इसका टेट्राहेड्रॉन शेप तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज द रोटेटिंग स्फीयर, जो रोटेटिंग स्फेरिकल अर्थ है कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इन टू टेट्राहेड्रॉन, कहने का मतलब है कि जैसे कि लेथिन ग्रीन ने अपने परिकल्पना में मान लिया कि कॉन्टेक्शन के बाद हमारा जो हमारे पृथ्वी का क्रस्ट वाला हिस्सा था, ठीक है, वो क्या गया, कोलेप्स कर गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे रोटेटिंग अर्थ घूर्णित करते हुए जो गोल पृथ्वी है वो कभी चतुष फलक का रूप ले ले। उन्होंने अपने मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने भले ही ये देखा कि हमारा जो एक गोल आकृति है वो कैसे टेट्राहेड्रॉन में चेंज हो सकता है, कैसे चतुष्फलक में बदल सकता है, लेकिन अर्थ के केस में जो रोटेट कर रहा है ऐसे में उसका उसके स्फेरिकल शेप से उसके गोल आकृति से उसके चतुष्फलक आकृति में उसके टेट्राहेड्रॉन इस शेप में चेंज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा लेथिन ग्रीन का टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, ठीक है, लेथिन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हम पूरा कंप्लीट करते हैं आपके लिए। बाकी ऐसा कोई भी बात, कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमसे छूटा रह गया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम भी आपसे सीखते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम महाद्वीपों के, अभी तक हमने महाद्वीपों का कोई विस्थापन नहीं किया, कोई ड्रिफ्ट नहीं किया, लेकिन अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, महाद्वीपों का विस्थापन करेंगे, और उसका शुरुआत करेंगे एफ बी टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड का वेगनर, मतलब अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये वेगनर के सिद्धांत तो मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं और काम भी आता है, ठीक है, एज ए डिक्शनरी, एज ए पावर ऑफ वर्ड, ठीक है, मतलब कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये जो चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती ना, ये ऐसे सप्लीमेंट्री काम करती हैं आपके हर जगह पे, ठीक है, आपको लैंग्वेज डेवलप करने में, आपके दिमाग में फिगर डेवलप करने के लिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, बाय।